आयुष्मान कार्ड को लेकर जागो इंडिया फाउंडेशन द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोग किया गया जागरूक। बता दें शुक्रवार को जागो इंडिया फाउंडेशन के द्वारा कटिहार जिला के कोढ़ा क्षेत्र के संदलपुर पंचायत में आयुष्मान कार्ड से संबंधित एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस कार्यक्रम में आयुष्मान कार्ड के उपयोग, लाभ, अस्पतालों की सूची और उनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारी दिया गया। इस मौके पर जागो इंडिया फाउंडेशन के वर्किंग कमेटी के सदस्य तनवीर आलम, शाहजहां आलम, अरुण कुमार वर्मा, नजीर आलम, सईदुर रहमान, सऊद आलम और रहमत अली मौजूद थे। इसके अलावा मुख्य अतिथि के तौर पर परवेज आलम जो शिक्षक हैं, उन्होंने अपनी बात रखकर लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर लोगों की भागीदारी बड़ी संख्या में देखने को मिला। लोगों ने उत्सुकता के साथ आयुष्मान कार्ड संबंधित जवाब संस्था के सदस्यों ने अच्छी तरीके से दिया। वहीं जागो इंडिया फाउंडेशन के मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता शाहजहां आलम ने बताया, आने वाले समय में संस्था द्वारा ऐसे कई जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन अलग अलग क्षेत्रों में किया जाएगा, जिससे सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को आसानी से मिल सकेगा। फिनो न्यूज बिहार के लिए कटिहार से सूरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। তোমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, দুর্ঘটনা হয়ে গেছে, গম্ভীর বিমারী তার সব পাইছে নাই, সেটা চান্দা উঠাবো। স্মার্ট কার্ড আছে, স্মার্ট কার্ড কোন কোন হাসপাতালে তোমার ইলাজ হবে এই চিন্তা এই সংস্থা, যে সংস্থার নাম জাগো ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন। ইয়ার অফিস কোথায় আছে আমি কিনতে যাই, আমি নিজে দুঃখটা কাছে নেবো যে আমাকে মদত দেবে। তো এতে কিছু নম্বর দেওয়া আছে ইন্ডিয়ারা। आप देख रहे हैं आयुष्मान कार्ड, ये सभी लोग बनाए होंगे, लेकिन इसका यूज किस तरह से करना है, कौन कौन सा हॉस्पिटल है जहां इसका यूज हो सकेगा, इसी को लेकर आज हम लोग जो इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। आयुष्मान कार्ड को लेकर जो विशेष जागरूकता अभियान का आज हम लोगों ने शुरुआत किया है, तो तमाम जो लोग आए हैं उन लोगों का बहुत बहुत हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। और आज के कार्यक्रम में आज हम लोग आपको बताएंगे कि आयुष्मान कार्ड जो आप बना है, अगर कोई लोग नहीं बनाए हैं जो छूटा हुआ है वो कैसे बनाएंगे, और जो बना लिए हैं इसका यूज कैसे करेंगे, कौन कौन से ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां ये अवेलेबल है, तो हमारी जो टीम है उनसे आपको रूबरू कराते हैं।